शरणमिम्रिषु नो यमत्मन्नाम कामदूरम् शरण अस्तु प्रहावृत् हमने सर थोड़ा आगे सामने ठीक है। हमें मुझे आज ये फख्र है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस कंसल्टेटिव कमेटी की नॉर्दर्न जोन की मीटिंग होने जा रही है और ये इस बैकड्रॉप में है कि इस साल दो मुख्य कार्य जो हैं वो भी होने जा रहे हैं। एक तो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं पूरा देश और हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में मिलेट्स हब बनना है और उस मिलेट हब में जम्मू कश्मीर ने भी अपनी पॉलिसी जो बना के रखी हुई है और हम भी भारत के नक्शे पर मिलेट प्रोडक्शन में अपनी तैयारी कर चुके हैं सारी। हमारा प्लान है कि हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो शैडो जोन में है और वहां पर बारिश बहुत कम होती है और क्लाइमेट चेंज का विजिबल इफेक्ट है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को हम मॉडर्न मिलेट डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं इस साल। दूसरा G20 मीट इस साल होने जा रही है, जम्मू कश्मीर ड्यूटी भी उसका पार्ट है, वहां पर भी उसकी कंसल्टेटिव कमेटीज की मीटिंग्स होंगी इस बैकड्रॉप में। तीसरा आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमारा कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग का खरीफ सीजन के लिए लागत मूल्य जो है निर्धारित करना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए ये सारा इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और आज इसकी सिफारिश की जाएगी और भारत सरकार को ये सिफारिश जाएगी कि लागत मूल्य क्या होना चाहिए, किसानों को एक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर ड्यूटी में इस साल कुछ तीन चीजें जो हैं वो बिल्कुल पहली बार हुई हैं। यहां पर कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग पहली बार हो रही है, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इसराइली कॉन्सुलेट का विजिट पहली बार हुआ जम्मू में, उसके बाद मिस्टर एशल जो है वो कश्मीर भी विजिट किया था। हम ये भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसराइल की मदद से जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश हों, वो चाहे वेजिटेबल प्रोडक्शन में हों, पोटैटो सीड प्रोडक्शन में हों, इसके लिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर यहां पर एक पहली बार GI रजिस्ट्री की मीट जो है वो भी पिछले महीने GI रजिस्ट्री का ऑफिस यहां पर कैंप ऑफिस लगा था, वहां पर भी हमारे जो GI की एप्लीकेशन हैं वो रिव्यू हुई थी, ऑलरेडी जो हमने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई हैं। तो ये जो तीन चीजें पहली बार हुई जम्मू कश्मीर में, तो इससे हमें ये लगता है कि एग्रीकल्चर जो जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर है वो काफी आगे बढ़ चुका है। आप सब हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम किसान को जो है उसकी फसल का जो है एक लाभकारी मूल्य दिला पाए, तो उसी संदर्भ में हम हरेक आदमी से जो है हरेक जो भी स्टेक होल्डर होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, या बाकी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती, तो सबसे हम उनका फीडबैक लेते हैं कि अगले साल के लिए जो है किस फसल का जो है कितना मिनिमम प्राइस होना चाहिए। तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिससे कि हरेक आदमी हमारे इसका जो है एक हिस्सा बने और हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि हमारे किसान जो है उनकी जो है आमदनी बढ़े, उनको एक लाभकारी मूल्य मिले। मकसद ये है कि जो आगे आने वाला जो खरीफ सीजन है हमारा, उस खरीफ सीजन में जितनी भी 14-15 क्रॉप्स हैं जिनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होगी, वो किसानों की उसमें किसानों को फायदा हो और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होती है, लागत मूल्य जो फसलों का है वो देखा जाता है और उसके बाद एक सिफारिश बनती है कि इस साल का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या रहना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा ये होता है कि डिस्ट्रेस सेल कई बार क्या होता है कि किसान का जो उपज है वो बाजार में बिकती नहीं है और उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, व्यापारियों को
कम रेट पे उसको देना पड़ता है। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी तो गवर्नमेंट अपनी फूड सप्लाई में बफर स्टॉक्स में वो स्टॉक्स रखती है, परचेज करती है एफसीआई के थ्रू, और इसमें किसानों को फायदा होता है। 72 घंटे के अंदर उनको पेमेंट मिलती है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती, और उनको जो व्यापारी हैं, जो बिचौले हैं, उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लॉकडाउन के लिए पूरी कमेटी डिफरेंट स्टेट से यहाँ आके बैठी है, जिस टाइम एमएसपी डिसाइड करेंगे अपने किसानों के लिए अगली जो की खरीद, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, क्योंकि ये मीटिंग इस बार हमारे यूपी में हो रही है, अदरवाइज ये दूसरे स्टेट्स में होती है, और हमने इसमें अपने किसान भाई भी बुला रखे हैं, अगर उनका जो कंसर्न होगा इसमें हम जरूर कंसीडर करेंगे, ताकि जो जो एमएसपी रेट फिक्स हो हमारे किसानों के लिए उसमें उनको बराबर अपनी फसल का दाम मिल सके।